अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। वैसे भी रमज़ान उल मुबारक का महीना चल रहा है, इसमें भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और वैसे आज बार बार रोज़ा शुरू हो चुका है, आज बार बार रोज़ा है और मेरी कलाम पाके भी 12 पारे हो चुके हैं। वैसे मुझे बीच में ऑफ़ करना पड़ गया 5 दिन के लिए, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई इसलिए। तो आप सबके कितने पारे हो गए हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जानूंगी मेरे व्यूवर्स के कितने पारे हो चुके हैं और उन्होंने कितने पढ़ लिए हैं। तो मेरी डे रूटीन शुरू होती है शॉप से, जो कि मैं घर पे तो बहुत कम ही रहती हूँ, मैं शॉप में ही ज़्यादा रहती हूँ। और मैं सूट की कर रही थी कटिंग, जो कि जब मैं इस सूट की कटिंग कर रही थी तो मैं इसकी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि मेरा एक स्टिचिंग का चैनल है और स्टिचिंग के चैनल पर मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी मेरे स्टिचिंग के चैनल पर 25 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि मैंने अभी 10-15 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। चैनल तो काफ़ी दिन पहले बना हुआ है और अभी स्टिचिंग की वीडियो डालना मैंने अभी उस पर स्टार्ट किया है 10-15 डेज से। और यहाँ जब मैं काम कर रही थी तो मेरा रोज़ा था और मेरी दुकान में बिल्कुल अच्छा रहता है, ठंडक रहती है और पंखा भी चलता रहता है पूरे दिन। और यहाँ पर मैं शॉप पे अकेली रहती हूँ। वैसे तो अम्मी मेरे साथ आ जाती थी, लेकिन अब मेरे साथ वो नहीं आ रही, क्योंकि वो घर में भी बहुत काम है उनके पास और वो मेरी बहनें जो है वो छोटी छोटी है, वो इतना काम कर नहीं पाती। और अम्मी जो है अम्मी ही सब काम देखती है। और मतलब 3-4 महीने हो गए शॉप पे मैं अकेली ही आ रही हूँ, शॉप पर अकेले हैंडल करती हूँ मैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। और मुझे शाम को भी जल्दी जाना पड़ता है। रोज़ा 6:16 पर होता है इफ्तार, जबकि मैं 6 बजे पूरे चली जाती हूँ। और मुझे जाने के बाद, मतलब आज तो मुझे घर से फ़ोन आ गया था कि मतलब जुमा था ना, तो मतलब कल मुझे घर से फ़ोन आ गया था। मम्मी ने कहा कि इनके लिए इफ्तारी में कुछ लेते आना खाने के लिए। और मेरे भाई ने भी रोज़ा रखा था और 3 बहनें हैं मेरी, उन्होंने भी रोज़ा रखा था, जबकि मेरा भाई तो काम करता है और जुमे का ही रोज़ा रखता है। उसने भी माशाल्लाह से 2 जुमे जा चुके हैं और दोनों के उसने रोज़े रखे हैं। और जब रोज़ा रखता है तो छुट्टी रखनी पड़ती है, इसलिए उसने 2 रोज़े रखे और दोनों टाइम्स छुट्टी रखी। और कल तो वो भी घर पे ही था और हमने कुछ मतलब काम चला रखा था घर पे, चिनाई वगैरह का हमारे काम पे कुछ पेंडिंग में पड़ा था, इसलिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमने 2-3 मतलब उनके मेरे भाई के दोस्त ही थे जो घर में आए थे काम करने के लिए, वो थोड़ा सा ही काम था। और यहाँ पर 3 बज चुके थे, जैसे कि 3 बज चुके थे। तो मतलब आज तो मैंने सिर्फ कटिंग की है, सिलाई नहीं की, क्योंकि मेरे पास कटिंग के ही बहुत काम है और एक दिन मैं कटिंग करती हूँ, एक दिन सिलाई करती हूँ। जैसे कि मैंने कटिंग की है तो मैं अगले दिन पूरे दिन सिलाई करूँगी और मैं कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी काफ़ी कटिंग हो चुकी है। और ये देखिए, मैंने कटिंग करके सब कपड़े एक साइड में रख दिए हैं और ये वो कपड़े हैं जो मैंने कस्टमर्स के प्रेस करके रखे हैं, तब कस्टमर आएंगे तो इनको ले जाएंगे, क्योंकि कस्टमर के कपड़े भी तैयार हो चुके हैं, कुछ के तैयार हो चुके हैं और कुछ के अभी तो आपको पता है कि शॉप पर कैसा रहता है, 2 कपड़े जाते हैं 2 आ जाते हैं। और जो कपड़े पहले रखे थे मैंने उनको सबको कंप्लीट करके प्रेस करके ऐसे एज इट इज़ इनको एक कम्प्लीटली जगह पे रख दिया था, ताकि जब कस्टमर आए तो मैं उनको पन्नी में डाल के ऐसे ही दे दूँ, मुझे उनको कपड़े ढूंढने ना पड़े, क्योंकि दुकान साफ़ सुथरी अच्छी लगती है, बिखरी बिखरी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दुकान बिखरी रहती है तो अजीब सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी काम नहीं हो रहा, सब काम ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। और फिर मैं जाने लगी थी घर, क्योंकि घर से फ़ोन आया था कि इफ्तारी के टाइम में जल्दी आ जाना और कुछ लेकर आना इनके खाने पीने के लिए, जो कि मैंने किड्स से 50 रुपये लिए थे अपने। और फिर मैंने घर जाने की तैयारी कर दी थी। और ये मेरा छोटा सा वैक्स है जो मैं अपने आने जाने में यूज़ करती हूँ, जिसमें अपना मैं चार्जर और फ़ोन और छोटी मोटी चीज़ें कभी कभार लानी या ले जानी हो तो इसमें ले कर जाती हूँ मैं।
और फिर मैं चल दी थी घर पर। मतलब यहाँ पे तो ऊपर 6 बज चुके थे और मैंने ऐसे सफाई भी नहीं की, क्योंकि घर जाने से पहले मैंने 5-6 सूट की कटिंग की थी। फिर मैंने सोचा मैं कल ही सफाई कर लूँगी और कल ही आकर सिलूँगी, मतलब कल सफाई करके मैं सिलाई स्टार्ट कर दूँगी। और फिर मैंने चार्जिंग निकाला, क्योंकि फ़ोन को रात में चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि एक जो शहरी में उठते हैं हम लोग, तो जहाँ पे हमारा किचन है, जहाँ पे हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसमें लाइट्स नहीं लगी है। वहाँ पे लाइट्स लगी थी लेकिन वहाँ पे लाइट्स ख़राब हो चुकी है, इसलिए हमको फ़ोन के टॉर्च ही यूज़ करनी पड़ती है। और जब मैं गई घर तो ये ला रखे थे, अम्मी ने सूट लिए ख़रीद रखे थे वहीं से ही, गांव में से ही। और ये थे 2 सूट, जो कि ये मेहरून कलर का अम्मी का है और ये ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का फूफी के लिए लिया है मेरी, जो कि ईदी पर हम उनको देंगे। और ये लाई थी मैं अंगूर इफ्तारी करने के लिए, जो कि आधे किलो अंगूर 14 के दिए थे, 40 रुपए के आधे किलो अंगूर दिए थे। और जब मैं आई घर पे तो अम्मी ने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी बन चुकी थी और अम्मी बना रही थी सेव चने की फली गोश्त डालकर, और ये मेरी बहन लाई थी पकौड़ी, और ये लेकर आई थी पकौड़ी और ब्रेड पकौड़ा, जो कि इसे पैसे मिले थे, अम्मी ने इसको 50 रुपए दिए थे, और ये अपने लिए खाने पीने के लिए, मतलब इसने 50 रुपए एक ही दिन में खर्च कर दिए। और ये लड्डू लेकर आई थी, बेसन के लड्डू है, जो कि इसने खाए तो नहीं, इसने एक भाई को दे दिया था और बस इसने एक ही खाया था और एक छोटी बहन को दे दिया था। और यहाँ पर अम्मी ने निकाल रही थी ये बिरयानी, अम्मी ने देखी कैसी गोल्डन कलर की इतनी अच्छी टेस्टी बिरयानी बनाई है। वाकई में माँ के हाथ में जादू होता है, जो माँ खाना बनाती है वो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो ऐसे टेस्ट ही इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही। अम्मी के हाथ का खाना पापा को और हम सब लोगों को बहुत पसंद है, जबकि मुझे किसी के भी हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, या तो सिर्फ मैं अपने हाथ से खुद से बना कर खाती हूँ या अम्मी बनाती है तो तब खाती हूँ, मतलब मुझे किसी और के हाथ का अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे किसी के घर भी जाना पसंद नहीं है। और अम्मी ने इसमें डाल रखा था गोश्त और ये थे अंगूर, जबकि हम मैंने इफ्तारी रख चुकी थी और हमारी इफ्तार हो चुका था रोज़ा, और फिर हम रात को ईशा की नमाज़ पढ़कर सो चुके थे। तो जैसे ही हम सो चुके थे तो इफ्तार जो जैसे कि शहरी में उठे थे, तो हम शहरी में तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो क्लिप्स करूँ, क्योंकि जुमा था ना, जुमे के दिन सब उठते हैं और कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो उन सबको देने के लिए इसलिए मैं क्लिप्स नहीं ले पाई। और ये थोड़ी बहुत क्लिप्स है जब पापा उठे थे, क्योंकि पापा ने रोज़ा नहीं रखा था और वो धूम में काम करते हैं, इसलिए उनको उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। और ये उनके लिए चाय बनाई थी मैंने, फिर उनको चाय देने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए। पहले मेरे बाल बहुत गंदे थे, एक हफ्ता हो गया था मेरे बाल को धुले हुए, पहले मैंने अपने बाल धोए अच्छे से, और बाल धोने के बाद फिर मैं आ गई थी शॉप पर और ये थे मेरे पास 10 रुपये, जो कि इनको मैंने इसमें चार्ज में रख दिया था। मैं सोच रही थी कि इनको गुल्लक में डालूँ या सदके के पैसे में डालूँ, क्योंकि ये जो मेरे ड्रॉल में डब्बा रखा है ये छोटा सा, इसमें मैं सदका इकट्ठा करती हूँ। और कल मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो गई, कल जुमा था और मैं सदका भी नहीं दे पाई, जो कि मैंने सदके के लिए एज इट इज़ पैसे इकट्ठे करके रखे हैं सीनियर्स। और तो फिर ये कुछ क्लिप्स अगले दिन की हैं, जब मैं जुमे से अगले दिन मैं आ गई थी शॉप पर। मैंने आपको बताया था कि मैं सब काम ऐसे ही छोड़ कर आ गई थी, सब चारों तरफ से फैला हुआ पड़ा था और मैंने सफाई भी नहीं की थी। फिर मैंने आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया, और फ़ोन चेक करने के बाद मैंने फिर सबसे फर्स्ट काम मैंने सफाई की, क्योंकि शॉप में सफाई हो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे जिस सिटी में हम रहते हैं और उधर तो बहुत बड़े बड़े आदमी रहते हैं, तो वो लोग आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुकान गंदी रहेगी तो उनको ऐसा लगेगा कि इनके हाथ में सफाई नहीं है, ना ही अच्छा फील पाएंगे।
और जो कि चाहे कितना भी काम हो, कितना ही ज़्यादा हो, कितना ही कम हो, पहले मैं सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं शुरू करती हूँ काम करना, क्योंकि सिलाई करती हूँ ना, इसलिए सफाई अच्छी लगती है। और जब आसपास से गंदा पड़ा रहता है तो जब हम सिलाई करते हैं तो ऐसा लगता है, बहुत घबराहट सी होती है। और मुझे तो ऐसा होता है जैसे चारों तरफ गंदगी हो, अगर मैं इसमें ही काम करने लग जाऊँ, मेरे सर में दर्द हो जाता है, मुझे उल्टी आने लगती है, पता नहीं क्यों। अब मेरा हिसाब ऐसा ही है, वैसे सब लड़कियों से अलग है मेरा हिसाब। और मशीन पर भी पूरा भरा हुआ सामान पड़ा था, पहले मैंने मशीन से सारी साफ सामान हटाए, इकट्ठे किए, और मैंने एक पैंट की कटिंग की। और एक पैंट की कटिंग करने के बाद मैंने, मतलब जब मैं कटिंग कर रही थी पैंट की, तो मैंने वीडियो शूट की पैंट की कटिंग की, और एक तो लॉन्ग वीडियो मैंने एडिट की और एक शॉर्ट वीडियो एडिट की, और दोनों वीडियो को यूट्यूब पर स्टिचिंग के चैनल पर मैंने अपलोड किया है। मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को, स्टिचिंग वाले चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें वो आपको बहुत काम आएगा, इजीली आप सिलाई में सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत उसमें सिंपल तरीके से और आसान तरीके से सिलाई बताई है। मतलब मैंने उसमें वॉइस ओवर नहीं की है, बस ऐसे ही म्यूज़िक लगा रखा है, और देखने में भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो, और आसानी से उसमें बंदा सिलाई सीख सकता है। उसमें मैंने मतलब 24-25 वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। वैसे तो इतना काम नहीं होता मुझसे, वीडियो बनाने में भी बहुत सेट लगते हैं इसलिए, और मुझे काम भी करना होता है अकेली, तो मैं वैसे ही आती हूँ, क्योंकि अगर बंदे दो हो तो एक काम कर ले और एक अपनी वीडियो का काम हैंडल कर ले। और मुझे तो सब काम खुद ही करने होते हैं, ब्लॉगिंग भी खुद ही करनी होती है, स्टिचिंग की वीडियोस भी बनानी होती है, और एज इट इज़ मुझे स्टिचिंग भी करनी होती है, जो कि अब तो रमज़ान है, अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब हैंडल्स करना, क्योंकि शाम के टाइम पे, और मुझे शाम के टाइम मुझे जल्दी भी जाना पड़ता है, जबकि सुबह को तो मैं 10 बजे आ जाती हूँ, कभी कभी तो 10 बजे से भी पहले आ जाती हूँ, लेकिन यहाँ तक कि 10 बजे तक मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। और जब मैं आती हूँ तो कस्टमर तब ही आ जाते हैं, 10 बजे से ही आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि शाम को तो जल्दी शॉप बंद कर देती हूँ ना, सबकी यही रहती है, और क्यों आप शाम को क्यों नहीं आते, आप शाम में क्यों ऑफ रखते हैं शॉप, तो मैं सबको कहते कहते थक गई कि हमारे रमज़ान चल रहे हैं, इसलिए हमको सब से जल्दी छुट्टी लेनी होती है और हमको शाम में घर जाना पड़ता है, जो कि रोज़ा इफ्तारी करने के लिए, और कलाम पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सबको एक एक बंदे को बताना पड़ता है कि रमज़ान चल रहे हैं, इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ता है। और माशाल्लाह से आज 12 रोज़े हो चुके हैं, 18 रोज़े और बचे हैं, तो आप लोग बताइए कि आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, मतलब आप लोगों के कितने पारे हो चुके हैं, और आप क्या क्या इबादतें करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप क्या क्या इबादतें करते हैं, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत आपकी तरह इबादतें कर सकूं। वैसे तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ, और जब मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ तो जब जिक्र अस्कार कर देती हूँ, तो अब हम मिलेंगे।